बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के अंदर। मैं आपके लिए आज लेकर आ रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो, क्योंकि ये सवाल जो लेकर आया हूँ, दो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर 99% हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे SSC का हो, CGL का हो, MTS का हो, NTPC का हो, सुपर टेट, हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। यदि आपने ये दोनों देख लिए तो आज के बाद इस सवालों को गलत करके या छोड़कर नहीं आओगे। बस आपको दो फॉर्मूले याद कर लेते हैं। पहले सवाल लेकर चलता हूँ आपके लिए, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि यदि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, तो सभी जानते हैं क्रय मूल्य क्या होता है, जो हम खरीदते हैं उस पर क्या करता है। मैंने माना यदि 100 रुपये का मैं सामान खरीद कर लाया तो उन्होंने 125 में, यानी इसको लिख दिया अधिक, फिर क्या करता है वह अपने माल को अंकित मूल्य से, जो अंकित मूल्य उन्हें रखा है जो बेचना चाह रहा है, उससे 15% कम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। भाई सीधी सी बात है, उनने 25 तो फालतू तो रख दिया और फिर 15 कम कर दिया, अब उसे कितना परसेंट फायदा हुआ ये हमसे पूछ रहा है। तो आपको सवाल को ज़्यादा लाभ बराबर ये परसेंटेज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है कि एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, और इसका प्रतिशत आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो पहला क्या दे रखा हमारा 25%, तो हमने मान लिया एक्स बराबर कितना हमारा 25 और माइनस, और दूसरा ये रखा हमारा कितना कम करता है, वो 15% कम करता है, कम वाले को यहाँ लिख देंगे 15 और माइनस, यहाँ पर फॉर्मूला एक्स वाई, यानी कि आपका 25 × 15/100, और बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर सेकेंडों में आ जाएगा यदि आपकी स्पीड अच्छी है कैलकुलेशन करने की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 25 में से पहले हम इसको कर लेते हैं, 25 में से 15 जाएंगे तो हमारे कितने बचे, यहाँ पर बचा 10, माइनस 25 चौका 100, यानी कि 15/4, और इसका ले लीजिए यहाँ से एलसीएम, और जब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम हमारा, यहाँ से 4 आ जाएगा, जी हाँ, और यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करें एलसीएम 1 मानकर, तो हमारा हो जाएगा 40, और ये 4 × 4 यहाँ से 15 ही आ जाएगा हमारा, तो कितना बचा हमारा 40 − 15, यानी कि बोल सकता हूँ इसको मैं आपका 25/4, या मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ सही में आ जाए तो 1/4 6 सही, 1/4, या इसको डिवाइड कर लीजिए कितना आपका 6 × 6 = 24, आपका एक बचा, फिर 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, यानी 6.25%। जी हाँ, यदि आपका तीन तरीके सवाल आ सकता है, या तो आपको यहाँ छोड़ दें, यहाँ तो छोड़ेगा नहीं, या तो आपका सही में देगा या प्रतिशत में इस तरीके से देगा, तो आपका ऑप्शन निकल कर आ गया है। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है आपका, इसका ऑप्शन है आपका सी, जी हाँ, यानी कि आपका तुरंत ही इसको रखते ही आंसर आ जाएगा। चलते चलते हैं आपके दूसरे सवाल पर। हमसे यदि एक आयताकार कागज की आसन की भुजाओं को क्रम से कितना 25% और कितना 50% की वृद्धि की जाए, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो एग्जाम में ये 100% कहीं ना कहीं पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जामों में आता है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, बस आपको ये अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ जो जितनी हमारी वृद्धि दी होगी, जितना हमारा बढ़ रहा होगा, तो हमने माना कि एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो एक्स बराबर 25%, एक तो हमारी ये हुई, और दूसरा मान लेंगे यहाँ से वाई बराबर कितना 50%, और तुरंत इस फॉर्मूले के अंदर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसका मान रख देते हैं यहाँ से हम, तो एक्स का मान कितना हमारे यहाँ से 25, और प्लस यहाँ से वाई का मान कितना हमारे पास में 50, और प्लस एक्स वाई यानी 25 × 50 और / 100, यानी कि और हमारा आ गई है प्रतिशत, तो ये 50 से जाएगा 50, इसे काट लेते हैं यहाँ पर, दो बार चला गया दो, ठीक है, तो यहाँ इसको ऐड कर लीजिए पहले, तो ये इसको हम ऐड करेंगे तो 25 और 50 कितने हो जाएंगे हमारे 75, और प्लस तो 50 से दो बार कट चुका है तो कितना बचा 25/2 बचा, और अगर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका हमारा कितना आएगा 2 LCM आ जाएगा, ऊपर जाके हमारा करेंगे तो 25 यानी 150 बन जाएगा, और प्लस यहाँ पर हमारा 25, तो हमारा कितना है यहाँ से अगर बोलें तो 175/2, जी हाँ, तो हमारा क्या हुआ यहाँ से 175/2 हमारा आ गया है। अब ऑप्शन हमारे क्या दे रखा है ये देखते हैं, हमारे यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं बनाकर यहाँ पर के 90 से 1/2 87, तो देखते हैं कितना बनता है हमारा यहाँ से, तो यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ये बन जाएगा 87 सही 1/2 प्रतिशत, जी हाँ, इसका दूसरा ऑप्शन बन जाएगा, तो करके देख लीजिए।